इस विंटर सीजन का न्यूनतम तापमान है वो पूरे सीजन में एवरेज दिसंबर जनवरी फरवरी में सामान्य से थोड़ा ज्यादा स्लाइटली अबव रहेगा, अगले वीक में भी सामान्य के आसपास रहेगी। बिहार में इस बार सामान पड़ेगी ठंड, जलवायु परिवर्तन का असर। बिहार में जलवायु परिवर्तन का असर साफ दिखने लगा है, विशेषकर सर्दी के मौसम में आए बदलाव को लेकर सूबे के आम लोगों के साथ साथ किसान भी हैरान है। वहीं पटना मौसम केंद्र ने भी साफ कर दिया है कि इस बार बिहार में सामान्य से भी कम ठंड पड़ेगी। पटना मौसम केंद्र के प्रभारी मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर ने के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्लाइमेट तेजी से बदल रहा है, इसके परिणाम स्वरूप एक तरफ ठंड के सीजन की अवधि कम हो रही है और गर्मी के दिन बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो हम फिर से जो पूर्वानुमान है इस विंटर सीजन का वो आप लोग को बता देना चाहते हैं। उसके अनुसार जो मिनिमम टेम्परेचर न्यूनतम तापमान है वो पूरे सीजन में एवरेज दिसंबर जनवरी फरवरी में सामान्य से थोड़ा ज़्यादा स्लाइटली अबव रहेगा, और जो अधिकतम तापमान मैक्सिमम टेम्परेचर है वो सामान्य से स्लाइटली बिलो और उसे सामान्य रहने वाली है। तो ये हमारा पूरे सीजन का पूर्वानुमान है IMD का, और इसके साथ साथ जो एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट है जो दो वीक के लिए इशू होता है वो क्लियर कट इंडिकेशन कर रहा है कि अगले दो वीक में अभी सामान्य के आसपास, जैसे अभी देख रहे होंगे कि पिछले दिनों सामान्य से ज़्यादा टेम्परेचर था, मिनिमम न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा था, वो स्लाइटली आपका फॉल करेगी। तो और अगले वीक में भी सामान्य के आसपास रहेगी। ठंड के सीजन में अधिकतम तापमान का आंकड़ा नीचे गिरने में कमी आ रही है एवं न्यूनतम तापमान लुढ़कने का आंकड़ा नीचे जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि इस बार 20 सितंबर से 18 जनवरी के बीच कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। हालांकि ये ठंड भी पूर्व के कुछ वर्षों की तुलना में कम होगा। मौसम विभाग के आंकड़ों की माने तो इस बार हिमालय रीजन से आने वाली हवा का बिहार के मौसम पर आंशिक असर ही देखने को मिल रहा है, जिससे रात के न्यूनतम तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं आ रही है। खासकर इस बार पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर रुख को भी मौसम में आए इस बदलाव के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।